तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेंसो मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 20। और अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने एपिसोड चेकआउट नहीं करे तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में मेहता का और यू को एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, और अब मेहता का यू को से पूछने लगती कि क्या वो उसे खाना चाहती है, जिस पर यू को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत। और ये सुनकर मेहता का काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, और इसके बाद यू को दूसरी तरफ मुड़ जाती है ताकि यू को मेहता को ना देख पाए और शायद अपने मन को भी काबू कर ले। यू को अब मेहता से कहने लगती कि वो उसे सिर्फ मिलने आई थी और अब वो किसी डेविल हंटर के पास जा रही है, और शायद किसी न किसी डेविल हंटर के पास तो ये तरीका होगा ही जिससे यू को फिर से इंसान बन सके। और अब अगर यू को डेविल समझकर मार भी दिया जाए तो भी उसे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि यू को शायद इसी के लायक है। मेहता का अब यू को से कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना। मेहता का कहने लगती कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि यू को ने मेहता को बचाने के लिए ही डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन अब यू को मेहता से कहने लगती है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया, बल्कि उसने तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चेंसो मैन की तरह कूल बनना चाहती थी। यू को चाहती थी कि पूरी पब्लिक उसे भी प्यार करे, बिल्कुल चेंसो मैन की तरह। इस सब के बाद यू को ये भी बताती है कि उसने मेहता की मदद सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा अकेली थी, और इस सब के चलते उसे एक दोस्त मिल जाए। इस सब के बाद यू को मेहता से ये भी कहने लगती है कि वो काफी ज्यादा घटिया इंसान है, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को मार दिया, अपने पड़ोसी को मारा, और उसने इस सबको जस्टिस का नाम दिया। इतना सब कुछ सुनने के साथ ही मेहता अब यूको को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यूको तो बोली ही जा रही थी। यूको बताती है कि जस्टिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने काफी सारे लोगों के थॉट्स सुने, और अब वो उन्हीं थॉट्स के अंदर समाती जा रही है। इस सब के बाद मेहता का काफी जोरों से चिल्लाने लगती है क्योंकि यूको का एक टेंटिकल उसका गला दबा रहा था। यूको अपना टेंटिकल ढीला कर देती है और मेहता को छोड़ देती है। यूको मेहता से ये भी कहने लगती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर सॉरी बोलने आई थी, और उसे नहीं पता कि अब वो क्या बन चुकी है, और उसने गुड बाय सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि वो एक समय पर दोस्त थे। यूको अब जाते जाते ये भी कह देती है कि तुम्हें जस्टिस डेविल से दूर रहना होगा। यूको बताती है कि वो अभी भी स्कूल के ही अंदर है। मेहता का अब यूको को रोकने की कोशिश करने लगती है और अपने वही जूते दिखाती है जो कि उसने उसे दिए थे। यूको ने कोई जूते नहीं पहन रखे थे, और मेहता का यूको को जूते देने लगती है, और यूको के मना करने के साथ ही मेहता का कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम इन्हें कहीं पर फेंक देना। ये सुनते ही यूको मुस्कुराने लगती है, और उसे याद आता है कि उसने कितनी शर्मनाक बात कही थी। और अब दोनों ही दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखते हुए हंसने लग जाते हैं। अब तो मेहता का भी कहने लग जाती है कि मैं कितनी ज्यादा बुरी इंसान हूँ, मैंने क्लास प्रेसिडेंट और टीचर को मार दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर खड़ी होकर हंस रही हूँ। इस सब के बाद यूको वहाँ से जाने लगती है, और मेहता से वो ये भी कहकर चली जाती कि एक दिन वो ये जूते देने वापस आएगी, और मेहता कहती कि इसी में उसकी भलाई है। और अब फाइनली यूको वहाँ से भाग जाती है। वो छतों पर कूदते हुए जा रही थी, और एक छत पर पहुँचने के साथ ही वो कबूतरों को डरा देती है। अब यूको रुक कर उन पंछियों को देखने लगती है और बताती है कि काश मैं भी इन पंछियों की तरह उड़ सकती। अब अगले ही सीन के अंदर हम यूको का कटा हुआ गला देख पाते हैं, और वो जाते जाते चेंसो मैन का नाम ले रही थी। और यहाँ पर हम चेंसो मैन की परछाई को देख पाते हैं जिसने यूको की बॉडी को उल्टा थामा हुआ था। और अब हम लोगों को फिर से वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर इन लोगों की फाइट हुई थी। सुपर स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म स्वॉर्ड अब टूट चुकी थी, और वहाँ पर वॉर डेविल और मेहता मौजूद थे। ये लोग यहाँ पर उसी तलवार की बात कर रहे थे, लेकिन मेहता के दिमाग में तो वही लड़की थी जिसने उसे छोटी बहन बुलाया था। मेहता वॉर डेविल से पूछती है कि क्या वो उस लड़की को जानती है, जिस पर वॉर डेविल कहती कि वो सिर्फ एक पागल लड़की है और वो उसे नहीं जानती। मेहता फिर से उसी दिन को याद करने लगती है, और वो सोचने लगती है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया जिस वजह से यूरू इतनी ज्यादा बड़ी हो गई। मेहता को अचानक से वही लड़की दिखने लगती है, लेकिन वो तो एक लड़का था जो कि मेहता से बात करने लगता है। वो लड़का मेहता को देखकर कहता है कि मिलकर खुशी हुई, और हम स्टूडेंट काउंसिल स्लैशर डेविल हंटर क्लब से हैं, और मैं इस काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, हारुका इसुयोमी। और मेहता वहाँ पर चुपचाप खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। अब वो लड़का बताते कि उनका एक मेंबर मारा गया, और एक ने तो डर के मारे क्विट कर दिया। हारुका बताते कि उसे अपने दोस्तों की मदद से पता चला है कि मेहता काफी ज्यादा अच्छी फाइट करती है, और इसीलिए वो मेहता को अपने क्लब के अंदर शामिल करना चाहता है। हारुका मेहता से पूछता कि क्या उसके पास कोई सवाल है, लेकिन तभी मेहता की बॉडी को वॉर डेविल टेक ओवर कर लेती है।
और अब वो हारुका से पूछने लग जाती है कि चेंसो मैन भी एक डेविल हंटर क्लब के अंदर शामिल है, क्या तुम लोग उसकी आइडेंटिटी जानते हो। और हारुका ये सब सुनने के साथ ही काफी बुरी तरह से हंसने लगता है और अपना यूनिफॉर्म ऊपर करने के साथ ही वो उसे एक रस्सी दिखाता है। वॉर डेविल को लगने लगता है कि वही चेंसो मैन है और वो बताती है कि वो उससे कभी और मिलेगी, और मिताका यहाँ पर उसे ही चेंसो मैन समझ रही थी। और हारुका भी कहने लगता है कि हम काफी जल्दी मिलेंगे। वॉर डेविल उस जगह से चली जाती है और रास्ते में मिताका वॉर डेविल से पूछने लगती है कि आखिर उसे कैसे पता कि वो चेंसो मैन है, और अगर वो चेंसो मैन है ही तो उसने उसे क्यों नहीं मारा जबकि वो उसे आसानी से मार सकती थी। वॉर डेविल कहती है कि चेंसो मैन का स्टार्टर ही उसकी पहचान है। वॉर डेविल कहने लगती है कि मैं तो यूको को भी नहीं हरा पाई थी तो चेंसो मैन को कैसे हराऊंगी, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे हरा नहीं सकती बल्कि उसे एक ताकतवर हथियार की तलाश है। वॉर डेविल अब मिताका को एक ताकतवर हथियार बनाने को कहने लगती है और ये सुनने के साथ ही मिताका एक ही बार में हामी भर देती है, और ये चीज सुनने के साथ ही हमारी तरह वॉर डेविल भी कंफ्यूज रह जाती है। मिताका बताती कि वो वॉर डेविल के लिए एक ताकतवर हथियार बना देगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी जिंदगी को छोड़कर चली जाए और किसी और को इस सबसे तकलीफ ना हो। और अब यहाँ पर वॉर डेविल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा जाती है। मिताका अब रास्ते में आते जाते हर इंसान को देख रही थी। वॉर डेविल कहती है कि उसे सिर्फ एक इंसान की ही जरूरत नहीं है। वॉर डेविल बताती कि वो किसी चीज को भी अपना हथियार बना सकती है अगर उसके साथ उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, बिल्कुल उसकी यूनिफॉर्म की तरह। और ये कहने के साथ ही वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है। वॉर डेविल कहती है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, लेकिन मिताका उसे मारने को राजी नहीं थी। मिताका कहती है कि हमें उस इंसान को मारना चाहिए जो कि मरने के ही लायक हो, बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह। लेकिन यहाँ पर वॉर डेविल मिताका से कहने लगती है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि क्रिमिनल के मरने पर मिताका को दर्द नहीं होगा और हथियार उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा जितना सामने वाले को मारने के लिए फीलिंग लगेगी। और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आखिर उस लड़की का मिताका से क्या लेना देना है ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी टाइप की वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगला एपिसोड इस चैनल पर काफ़ी जल्दी रिलीज हो जाएगा तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।